क्या आप भी अपने पंचायत या अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रह के जॉब करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ वो वैकेंसी पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल की है। यानी जिसने भी डिस्ट्रिक्ट से सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी पंचायत में जो है इसकी बहाली होने वाली है। किस तरह की बहाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले पोस्ट के बारे में बता दूँ मैं आपको, लेखापाल सह आईटी सहायक की रिक्रूटमेंट होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो, 6,570 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट्स में रह के जॉब करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो इसी वैकेंसी का है और मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी है एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये लेटर कब रिलीज़ किया गया है। तो 15 मार्च, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 15 मार्च को ये रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे वैकेंसी नंबर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट, यानी नोटिस जो रिलीज़ किया गया है ये बहाली के लिए किया गया है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉलोइंग आउटसोर्स पोस्ट ऑफ बिहार ग्राम स्वराज योजना BGSYS एज पर डिटेल्स। तो यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है, मैं आप लोगों को हिंदी में बता दूँ, ये जो वैकेंसी होने वाली है ये आउटसोर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होने वाली है और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मे बी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ज़्यादातर चांस होती है कि इस तरह की वैकेंसी को परमानेंट कर दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट क्या है। तो यहाँ पे एक ही तरह की पोस्ट के लिए जो है टोटल सीट यहाँ पे देख सकते हो, 6,570 पोस्ट जो है नंबर ऑफ पोस्ट है और किस कैटेगरी में क्या पोस्ट है ये भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, बीकॉम चाहिए या एमकॉम चाहिए या सीए हो ये तो आपको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है कि हायर क्वालिफिकेशन वाले को प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। अगर सीए आपने कर रखा है तो आपको प्रिफ्रेंस मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट सीए नहीं है इसमें, जैसे 6,570 पोस्ट के लिए अप्लाई होती है, इसमें से आपको सीए मान लो नहीं मिल पाता है या नहीं होंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि बीकॉम एमकॉम यानी आपके क्वालिफिकेशंस के बेस पे आपको ये जॉब दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज मैं बता दूँ, यूआर कैटेगरीज के लिए 1643 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 657, एससी के लिए 1313, एसटी के लिए 131, ईबीसी के लिए 1643, बीसी के लिए 1183, टोटल 6,570 सीट्स हो गया। अब आपका सिलेक्शंस कैसे होगा, सिलेक्शंस के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है, थ्रू कंप्यूटर बेस्ड CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं डेट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो किसी भी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो, अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर ले। डेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। डेट्स यहां पे बता दिया गया है देख सकते हो और ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो है वो 15/4 से जो है बताया गया है कि 15/4/2024 देख सकते हो 11 बजे से शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है 14/5/2024 रखा गया है, यानी 15 अप्रैल से 14 मई तक आप अप्लाई कर पाओगे।
और यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई है, यहाँ पे देख सकते हो आप। टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसमें बताया गया है द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन अबव द टेंटेटिव मे बी चेंज बाय 20% इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो बताया गया है 6,570, इसमें हो सकता है कि 20% जो है इंक्रीज भी हो जाए या डिक्रीज भी हो जाए, यानी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। BGSYS रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ वैकेंसीज और कैंसिल एनी और ऑल द पोजिशन मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। BGSYS जो है कुछ भी चेंज कर सकता है वैकेंसी में, एग्जाम भी कैंसिल कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं, 10% ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट मेंशन एवं कैन बी रिजर्व फॉर फ्यूचर प्लानिंग, यानी 10% सीट्स को रिजर्व किया जाएगा किसके लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट रूल्स आप पढ़ सकते हो, रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इज एंड फ्रीडम फाइटर विल बी एज पर द बिहार गवर्नमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रोस्टर, यानी कोई PWD कैंडिडेट है और कोई फ्रीडम फाइटर है तो इसको जो आरक्षण का बेनिफिट दिया जाएगा वो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रोस्टर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट, इस पर आपको विजिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है एंड द डिटेल्स एडवर्टीजमेंट 12/4/2024 एंड कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एवर वैकेंसीज, यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट के लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स एज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस ETC, यानी एज के लिए आप एलिजिबल होनी चाहिए, आपकी एज सही होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सही होनी चाहिए, जो भी रिक्रूटमेंट में बताया गया है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट या बाय हैंड या बाय ETC विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे बताया गया है कि बाय पोस्ट या बाय मेल जो है इस वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड विल बी सबमिटली रिजेक्टेड, नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हो तो जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड यहाँ पे लास्ट में डेट मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, अभी मैं आ चुका हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही जो है आप लोग ऑनलाइन कर पाओगे। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से इस वैकेंसी का ऑनलाइन होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट जो है आपको 15 अप्रैल तक करना पड़ेगा, 15 अप्रैल से आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आया है। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड जैसे ही इसका ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में थैंक यू सो मच।